ये बॉक्स आया है हमारे पास बोर्ड की तरफ से और इस पे क्लियरली लिखा है दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग और इसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में हूँ टू वॉच एंड ओपन दिस बिग थिंग। तो चलिए खोलते हैं। तो ये बोर्ड की तरफ से निर्वाणा TWS, मुझे लगा था ये बाहर से इंटरेस्टिंग है लेकिन भाई ये तो अंदर से भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि TWS पैक है इस टोपी के अंदर और यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके खतरनाक से स्पेसिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स ताकि आप एयर टिप्स खो भी दो तो आपको दुकानों में धक्के ना खाने पड़े क्योंकि पैसे कमाना मुश्किल है और खर्च करना आसान है। और इसके अंदर है एक मिनी टाइप सी केबल जिसकी वजह से आप इसमें फास्ट विद्युत प्रोवाइड कर सकते हो, यानी ये सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। और इसके अलावा है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक बोर्ड का स्टिकर। तो जैसे ही पहली बार आप इनको जब हाथ में पकड़ोगे तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। यहाँ क्रोम फिनिश के ऊपर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है और उसके नीचे एक डेडिकेटेड बटन और टाइप सी पोर्ट। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका सेटिस्फेक्शन आपको प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम फील होने वाला है। यूजुअली इस प्राइस रेंज में आने वाले जितने भी TWS हैं उनकी कैप्स आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी और चीप फील होती है लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब भी आप बोर हो रहे हो आराम से इसको ठक 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 कर सकते हो। किसी भी TWS को अच्छा बनाने के लिए मुझे लगता है उसमें 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। एक है साउंड, दूसरा है चार्जिंग, तीसरा है कनेक्टिविटी और चौथा है कंफर्ट। अब हम इनको वन बाय वन देखने वाले हैं। साउंड में प्रीमियमनेस ऐड करने के लिए इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं जो कॉल के वक्त क्रिस्टल एंड सुपीरियर वॉइस प्रोवाइड करता है और इन TWS को आप क्रिस्टल बायोनिक मोड में स्विच कर सकते हो इसमें लगे हाईफाई DSP5 की मदद से। I love it too. और इनके अंदर 4-4 माइक लगे हुए हैं वो भी ENX टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब आपकी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जाने वाली है आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, बस शर्त इतनी है कि आपकी सिम में नेटवर्क होने चाहिए। और इस निर्वाणा IUN को इतना ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनाया है कि डेफिनेटली आप कहीं भी अपनी पॉकेट में डाल के इसको घूम सकते हो और लोगों को बोल सकते हो कि DJ तो मैं अपनी पॉकेट में लेके घूमता हूँ। बाकी अगर आप रनिंग या जिमिंग का शौक रखते हो तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर मिलती है IPX4 की रेटिंग जिसकी वजह से ये बन जाता है स्वेट प्रूफ। तो इनको लगा कि आप आराम से जिम जाओ और इनके अंदर स्वेट घुसने का डर भूल जाओ। और इसके अंदर मिलता है सीमलेस ईयर डिटेक्शन जिसकी वजह से आप जब भी अपने कानों से इसको हटाओगे ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और जैसे ही वापस लगाओगे ऑटोमेटिकली जो चीज चल रही होगी वो प्ले हो जाएगी, मतलब स्मार्ट है यार। जिसके लिए इसमें लगा है इंफ्रारेड सेंसर जो सेम स्मार्टफोन्स में होता है जब हम कॉलिंग वगैरह करते हैं उस वक्त काम आता है। और ये थोड़े से प्रीमियम फीचर होते हैं, ऐसे फीचर्स नहीं दिए जाते हैं इस प्राइस रेंज में। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बोट की वेबसाइट पे मिलेगा तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो क्योंकि ऐसी चीजें जो होती है वो वैल्यू फॉर मनी होती है तो जल्दी से खरीद लेना वरना आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाएगा। और अगर इनको घर में आप इधर उधर कहीं रख के भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है जिनसे आप साउंड प्ले कर सकते हो और कुछ ऐसा तेज साउंड इसके अंदर से निकलने वाला है। और भाई फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं हो जाते हैं, अगर आप गेमर हो तो इसके अंदर आपको मिलती है लो लेटेंसी 60 मिलीसेकंड्स की, तो मतलब एंटरटेनमेंट ही नहीं आपका गेमिंग वाला पार्ट भी बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा, मतलब दोनों ही चीजों में बिल्कुल चुम्मेश्वरी। और इसमें सिंगल टच कंट्रोल दिया गया है जिसकी वजह से आप एक ही क्लिक में म्यूजिक की वॉल्यूम, म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो और इवन कॉल्स को भी, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज अच्छी है और हमने इसको यूज भी कर रखा है, इसका फीडबैक काफी सही है। बाकी चार्जिंग के लिए इसमें टाइप सी मिली जाता है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे एक समान, आंखें बंद करके भी डालोगे तो बिल्कुल भी पिन डैमेज होने का खतरा ही नहीं। और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और रिवर्स चार्जिंग को भी। बाकी कनेक्टिविटी के नाम पे इसमें मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2। अब कनेक्टिविटी तो जरूरी है ना भाई क्योंकि तार वार तो लग नहीं रही है इधर। और ये काफी फास्टली पेयर हो जाता है, इसका बंधन फोन और TWS के बीच में काफी अच्छे से बन जाता है। बाकी बात करें इसकी प्राइस की तो ये आता है 1999 रुपीज में और 2000 रुपीज के नीचे इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग टास्क होता है लेकिन इसके साथ वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अपने यूजर्स के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लगा, बाकी आपको कैसा लगा नीचे लिख के बता सकते हो और अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू कैन बाय क्योंकि ये रेकमेंडेड प्रोडक्ट है। बाकी दैट्स ऑल यार आज के वीडियो में, सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।